मुझे लोगों ने बहुत डराया कि नहीं चढ़ पाओगी नहीं चढ़ पाओगी, पर मैं इसका नाम क्या? एस्ट्रा। ऐसा अच्छे से मारो बोले सोने। तो चल निकले वाले बाबा जी संगे देखो कितनी सारे सारे हिमकुल सब चले माता नीचो नीचो। This is 80th Moonlight and welcome back my YouTube channel। तो आज हम जाने वाले हैं फाइनली हेमकुंड साहिब के दर्शन करने। तो आपने देखते होगा संजय कितनी आपको इस वीडियो के बाद पता चलेगा। और हमारी यात्रा हुई है 445%। चलो निकलते हैं बस एंड यहाँ हेमकुंड साहिब एंड ये रहा गुरुद्वारा साहिब। तो निकलते हैं दर्शन संगीत जैसे ही पहाड़ है ना हमने इसके पीछे जाना है। देख लो आज बहुत ज़्यादा ऊँचाई है चढ़ाई मतलब चढ़निया में सीधा। तो निकलते हैं सुबह सुबह। सो फाइनली देख लो वो बड़ा वाला पहाड़ कितना सी व्यू है। तो चलते ऊपर हरियाणा में उधर जाना है शायद में वो रहा वाटरफॉल एंड ये देखो वाह कितना सी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। साथ में ये देखो ऑसम व्यू सन के सारी जाते हुए हेमकुंड साहिब सर। अब दिखाई दिया वाटरफॉल कितना प्यारा वाटरफॉल है वाह। साथ में नीचे ग्लेशियर भी है ये ही प्यार सभी सोच लो ऊपर सीट है अभी तो ऐसा संग नहीं जाइए ले लो उधर से है सीधे ऊपर तक चलो अभी और ऊपर जाना चलो अपना सीधा एंड देखो व्यू कितना सही आ रहा है। माउंट है सपने चलते हुए हेल्प करते हुए माउंट है कि चलो हरियाणा में बहुत ऊपर जाना है पहाड़ी नहीं क्रॉस हो रहा सर जिन्हें तो जानते नहीं चढ़ाई चढ़ती जाती है बड़ी वधिया है यार। और इन्हें तन के तक बड़ा बथेरा चलो हम भी निकलते हैं पहाड़ पर जाना है तो उतना तो उतना बड़ा बोझ स्लो 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 एंड स्टडी विन द रेस सतनाम श्री वाहेगुरु। चलो ऊपर चलते हैं तो वैसे शॉर्टकट वाला और ये सीधा वाला चलो फिर और ये लैंड साइड भी होती है पता है बने भी हुए निशान बने हुए हैं गाइस देख लो है कैसे कैसा रास्ता है। चलो भी और ऊपर चलते हैं सारी खड़ी चढ़ाई है कृपया धीरे चले और देखो चढ़ाई कितनी बड़ी है ओ
चलो चलते हैं ऊपर। गाइस देखो कितना ऊपर आ गया और मेरा छोटा सा दोस्त हेलो बोल दे। हेलो एंड देखो कितनी ज़्यादा ये संगत आई है यार और नीचे से हमारे बहुत यार पापा ये तभी और ऊपर जाना है। इसके बाद घोड़ा घोड़ा जो बंद हो जाएगा फिर पैदल चलना है 2 किलोमीटर और इसके बाद ना 2 किलोमीटर और चलना है। तो भाई यहाँ से तो सीन आ गया झील पीछे है हेमकुंड साहिब तो चलते हैं अभी सुबह भाई पानी में से चलना है यार बर्फ में से चलना है जितना ऊपर जा रहा है उतना ऊपर और जा रहा है बाहर बाहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा अभी। सो गाइस इसको चाय स्टार्ट होते हुए एक हजार की एंसर स्टार्ट उसके बाद फिर थर्ड है वो ऊपर चिड़ाई बच रही है जेरी मोम। हेलो मोम कैसे मजा है? ओ बहुत मजा आया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची सच्ची ये छोटा दोस्त मेरा ओए ठीक हो थक गए हो तो गाइस थोड़ा रेस्ट करते पावर गाइस के ऊपर पावर नीचे से आए वहाँ से पेंट है वो। सो गाइस इतना ऊपर आने के बाद ना अब पता चला इससे भी ऊपर जाना टॉप पर वो जहाँ पर संगत जा रही है वो टॉप पर तो कितना ऊपर जाना उन्हें कैसा यार बड़ी से आइए चलो निकलते हैं चलो यार देख लो ऊपर कितने बजे जाना है नीचे आ जाएंगे चलिए चलो स्लो स्लो चल जाएंगे रहा वहाँ चाह चलो फिर जहाँ चाह वहाँ चाह वहाँ श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने अभी 6 बजे हैं तो चलो निकलते हैं ऊपर। सो गाइस ये माउंट है एंड अभी ऊपर जाना है बहुत बड़े ऊपर वो देख लो घोड़े यहाँ वो स्नो है ना उधर ही जाना है उन्हें बड़े दूर है यार उधर जाना है। सो गाइस अभी तो मैं जाना है उधर तो सीन देख लो अभी क्या सीन आ रहा है और नीचे देखो कितनी भीड़ है और इसी सामने ऊपर जाना है अभी वो स्नो में चलना है देख स्नो फाइनली आती हुई 3-4 किलोमीटर हो रहा उसका स्नो भी। सो गाइस फाइनली हम ग्लेशियर के पास पहुँचे और इधर हमें एक दीदी मिली है जो दिल्ली से। दीदी इतना टफ था इधर आना? कोई टफ नहीं था लोग बेवकूफ़ बनाते हैं नॉर्मल सी चढ़ाई है बाबा जी अपने आप शक्ति देते हैं आराम से चढ़ खुद ही जाओगी नहीं आराम से तो फिर देखो टफ नहीं है तो अभी बस ये थोड़ा सा सिंगल रास्ता है बस थोड़ा जब गुरुद्वारे में पहुंचते हैं सबकी हालत टाइट होती है कोई टाइट नहीं होती हालत देखी थी आपकी मुझे लोगों ने बहुत डराया कि नहीं चढ़ पाओगी नहीं चढ़ पाओगी पर मैं अच्छे से पैदल जाता हूं आराम से कुछ भी नहीं हुआ कुछ नहीं हां वो तो है जैसा मेरे साथ हुआ कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ पेन होती है थोड़ी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। चलो ग्लेशियर पर चलते हैं अभी इधर से जाना हमने सिंगल वे वन वे चलो वो और सीधे वाला ये पूरी वाला ये बैठते हाँ उधर से स्लिप स्लिप भी हो सकते हैं उधर से स्लिप नहीं हो सकते हैं तो चलते हैं इससे देखो यार ओ भाई आराम से चल छोड़े चल चल दोस्त चलो अब नहीं चलना सिर्फ पैर रख के आना स्लो स्लो ज़्यादा तेज ना चले उन्होंने थले जाना लो गाइस अभी देखते हैं हमने कितने 2 किलोमीटर चलने और 2 किलोमीटर सोच रहे हैं फिर हाई ग्लेशियर पूरा देख लो। सो गाइस ऐसे डरा रहे थे इतना बड़ा छोटा सा ही बर्फ है स्नो है ग्लेशियर देख लो इधर से खत्म हो गया शुरू होना ही पहले खत्म हो गया चलो ये और एक टॉप पर हम पहुंचे
अब इधर से 2 किलोमीटर और है बस। फाइनली देखो कितनी सड़क आई, नीचे से सोचे थे इतना है और इधर से पता चला अभी तो उतना है ऊपर पहाड़ पर। देख लो वो चोटी पर ये मस्त स्कैम हो रहा है यार। अभी देख लो संग कितनी आ रही है, पता नहीं कहाँ रहेगा सब फैमिली। पीछे होगी पीछे बर्फ ही बर्फ है। चलो स्नो है। सो फाइनली कोल्ड ग्लेशियर देख लो सारे स्लिप ना हो जाए बस स्लो। थोड़ा ऊपर था देखो ग्लेशियर कहाँ से आ रहा है ऊपर से। ओहो एहसास है देखो ब्यूटीफुल व्यू। संग देख लो नीचे से आ रही है। So guys, here I could see and waterfall, full waterfall आ रहा है नीचे से देखो पानी कैसा है। साथ में करें वाटर क्रॉसिंग यार बहुत अब इधर से ना आपको 2 चॉइस मिलती है, सीधे चलते जाओ या सीढ़ियों वाला रास्ता चुनो। तो देखते हैं हम कौन से चुने जो डिसाइड करिए वही हम किसी पर हम जाएंगे। तो करते हैं डिसाइड। हेलो हेलो भी क्या बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आया यात्रा करके। बाबा साहब उत्ते चढ़ा रहे ने। चलो चलो गुरु श्री कलगीधर जी की पातशाह तो चलते हैं अभी ऊपर। देखिए कितना किलोमीटर से आते हैं, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है सीधे चलने वाला एक सीढ़ियों वाला। तो डिसाइड करते हैं हम कौन सा चले। एंड देखो यार सीन कितनी सी ब्यूटीफुल है वो दुबई मजेदार। सो दोस्तों गलत रास्ते पे आते हुए सीढ़ियों वाले आना सही से था हम सही से चलो ऊपर। तो पीछे देखो कितनी सुंदर है। So guys, देख लो झरना वाटरफॉल वाह थोड़ी नहीं की आधी बना दी अभी ना डीप ना यार ले लो व्लॉग बना आहो केड़े YouTube चैनल एडी द मूनलाइट एडी मूनलाइट मैनू सेंड कर दी मैं आ गया व्लॉग ए भाई मैं तुम दसा ओथे ओथे 2 पौड़ियां चढ़ियां चेता भूल जाना सानू। सो गाइस देख लो कितनी दा ये ऊंचाई है वाटरफॉल। चलो चलो इतनी बैठे हो गए वरना तो वैसे इधर हालत खराब हो रही है। देखो सीढ़ियाँ कैसे हैं बिल्कुल सके। ये है ब्यूटीफुल व्यू जहाँ से हम नीचे से आए हुए हैं एंड वहाँ सुबह चलना है चलते जाओ भाई। देख लो नीचे यार बड़े नीचे अभी भी ऊपर जाना है वो ऊपर सीढ़ियों से नहीं आना तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। देखो कहाँ से हमारे नीचे से वो तो से नीचे से घूम के आए हैं फिर इधर हम इधर ही पहुँचे अभी और को जाना हालत इतनी टाइट है ना क्या हो गया। वो जो दीदी थी मेरे साथ में वो पीछे आ गई वो नीचे बैठ गई है क्या ही कर सकते हैं अभी तो व्यू का नजारा लो। उधर से आना चाहिए जाते समय इधर से जाना चाहिए आते समय इधर से। ओ विक्की आ रहा सो आ जाओ 10-8 बजे हूं क्या मजा आ रहा है यार तेरा मजा आया भैया तेरा मजा आ रहा है बोल मजा। हां जी क्यों ठंड बंद नहीं है पूरा मजा जी यात्रा करनी बस ये सीढ़ियां तो गलत हो गए वाह जी और वाह जी वाह बढ़िया है
ਸਿੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਹੋ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਕਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ ਘੋੜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓ ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਓ ਹਾਂ ਰਕਮ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਲਾਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੋ ਦੇ ਗਰੰਡੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ ਐਂਦੋ ਅਸੀਂ ਸੱਲੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੁਰਦਾ ਗਾਇਸ ਇਹ ਆ ਕੁਝ ਸਬਰ ਹਮਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਤੇ ਹਾਂ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ कैसे पहुंचती हूँ मैं हमें फाइनली कामना थी ना पूरी होती यहाँ पहुंच गया सेम पुलिस है चल 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 सेवक जन बने ठाकुर लीव लागे जो तुम्हारा गुरुद्वारा साहब तो चलते हैं दसवें बजे आते हैं पर थोड़ा पानी वानी पीते थक गए वो फाइनली गाइस हम पहुंचे यार कितने बजे थी 9 बजे हम पहुंचे थे 9:15 बजे तो ये रहा कुछ सीन दीदी ਹੁਣ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਫੀਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਈ ਤੇ ਕੰਨ ਖਟਮ ਆ ਆਹ ਉਹ ਤਾਂ ਅਬ ਕਹ ਨਹੀਂ ਤਸਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੇ ਹਮ ਵੀ ਕਰਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ तो गाइस फाइनली हम हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं और आप दर्शन कर लो यार कितना सही है तो अभी हम जाके सोवर में नहाएंगे तो सोवर देख लो यार अरे तोड़ना है कोड़ा तोड़ना है ओहो यार जैसा हम देते थे ना वीडियोस में वो सच होने वाला है फाइनली इतने टाइम बाद कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं आपको ठीक है दलिया गुरुद्वारा साहिब के साथ फाइनली यार गाइस कोड़ा देख लो कोड़ा कितना है हाथ टूट जाएगा ये देखो ओ यार क्या सीन है मजेदार है देख लो गाइस जादू बिया पानी इतने खड़े हैं फट गई चीज वाह जरा पीछे ना जाओ डूब ना जाओ पर ये तो ना कि जाओ पर मैं खलोता तो नहीं तक सीधे पानी में शासन लगे गया भाई ये कोयला कोयला कोड़ा ये देखो अरे ये वाला डूब रहा है मार है गाइस मैंने भी हुन पता चला इथे ना सख्त निशान सब है जो चोटी ते पहाड़ ते देख लो एक इस वाली चोटी पे इससे वाली एंड इत दो इससे पीछे भी चोटी है ना वो पीछे उठे भी है एंड इत भी है इस वाली चोटी पे सत्य निशान सर सत्य चोटी ने तो सोचो यार चरना कितना मुश्किल है जूम कर रहे हो बता नहीं सकता जूम में भी इतना क्लियर आएगा नहीं एंड मैं आंखों से कम कम दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा मतलब ध्यान से जो तब दिखाई दे रहा वो तो मुझे पहले पता नहीं था तो सेवादार ने बताया इधर के तो देखो आप यार कलर दर्शन हम बार बार इधर नहीं आने वाले क्या पता नेक्स्ट साल लाए हर टूर स्टेशन के हर साल लाने की हर साल सिर्फ वायरू साते बस फाइनली गाइस डैड भी आ गए थे डैड पहुंचे डैड हो और मैंने अभी डैड टू देखा ओहो ये रे डैड इसे तो सब थोड़ा है आज गुरुद्वारा दा देखो पूजा नाल उधर जो भी एक का सज्जे बस से पहुंचे अपने अकेले के लिए भी है थोड़ा बचा नहीं मिले चलो कोई नहीं यार मैं तो क्या पूछता आप अच्छे से पहुंचे तो चलो अभी निकलते हैं नहाने के लिए मेरे पापा नहा के आए इस मामले हो गया से हम ले रही है
तो हम भी बढ़ते हैं, हमने क्यों नहीं गट के लिए ले जाना यार। चलो आराम ना जाइए, डैडी मानी वीडियो सुन जाइए। गाइस गाइस चाय तो मैं नाने ठंडे ठंडे पानी में, ओह ठंडा था। चलो मारो रुकी, मारो अच्छे से मारो। ओए तो मुंडी तो फैन को ठंडे। चलो यार फाइनली अब जा रहा हूं मैं नहाने, चलते हैं उतार देगा अपने अपने। सो गाइस नहाने के बाद कुछ ऐसा व्यू है, तो बड़ा मजा आया यार, ठंडा ठंडा फील हो रहा था। वो जितनी थकावट थी सारी दूर होगी, मतलब लातों में अच्छे से नेस फ्रेश हो गई पूरी। इधर हमने किया थोड़ा सा फोटो शूट एंड उसका वेट करे हम, उसके बाद मामा जी पर दर्शन करने को, तो फिर निकलते हैं दर्शन। So finally guys हमारी फोटो आती हुई रेस ऑफ, इधर तो अभी इनको पेमेंट करते हैं उसके बाद निकलते हैं। 50 रुपीज़ पर फोटो। सो फाइनली गाइस अभी हम इधर से जा रहे हैं, तो निकलते हैं चलो फिर। बोले सोने यार सी अकाल गाइस, चलो निकलते हैं। चलो गाइस निकलते हैं हम नीचे की ओर। तो फाइनली दर्शन जिसकी ड्रीम था ये ड्रीम पूरा करते हुए निकलो, स्लो स्लो सारे ड्रीम पूरे होंगे। सो गाइस आपको एक ऐसी चीज बताने वाले ना, एक लड़की है ये अपना डॉग लेके देखो, अरे बताओ आपको इसका नाम क्या? एस्ट्रा। हे एस्ट्रा हाय कर दो। हेलो हेलो कर दो, से हेलो हेलो कर दिए भाई। हालत टाइट हो गई मुझे लग रहा है। हाँ ऊपर चल रही है, हमारी हालत टाइट है यार। किधर से आप? श्रीनगर से। श्रीनगर ये वाला उत्तराखंड वाला? हाँ मुझे लग रहा है वो वाला अपने वाला कश्मीर वाला। मैं उधर की से हूँ ना। अच्छा आप उधर से हो? हाँ चलो बाय। चलो यार गाइस निकलते हैं हम नीचे। सो गाइस देख लो वाटरफॉल, और उसको हम देख रहे हैं और बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब आपसे मिलेंगे। चलो यार अब निकलते हैं जैसे, ये कह रही है फ़ोन इधर नहीं फ़ोन चलता एक सीधे, तो चलो अभी निकलते हैं गढ़ की ओर। तो फाइनली देखो कितनी आसानी से हम नीचे आ गए यार, सीधा बर्फ वाली जो ये थी अभी ग्लेशियर वाला जो नीचे थोड़ा सा, अभी जैसे निकलना है छोड़ छोड़ बर्फ है, चलो चलते हैं नीचे अभी। आज आप तो ना पिछली बार हमने आपको लोवे वाला बताया था, इस बार आप दूसरा वाला पुल बताएंगे। चलो तीन साफ स्नो है वही वाला रास्ता है जहाँ पर सीढ़ी अपनी हुई थी, पर चल चलते ना सीढ़ी गाई बोलिए। अब फिर ये पुलिस वाले इधर की आर्मी BSF वो बना रही हैं इधर नई सीढ़ी। चलो वाह के नमो नमः बर्फ की बर्फ आई क्या तुम और चलो उतरो वरना स्लिप हो जाओगे सारे दिखेंगे। चलो उतरते नीचे
ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਸਤੀ ਵਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਚਲੋ ਚਲਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਚੜਾਈ ਥੀ ਅਬ ਸਿੱਧੇ ਉਤਰ ਆਈਏ ਉਤਰਾਈ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਤਰਨਾ ਪੜਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਗਏ ਜੈਸਾ ਉਤਰੇ ਅਭੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਮਿਲਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਡੋਬਿੰਦ ਨਿਕਾਲ ਡੋਬਿੰਦ ਦਾ ਦਾਮ ਮੈਂ ਮਿਲੇਗਾ ਚਲੋ फाइनली गाइस दर्शन करने के बाद हम पहुंचे गुरुद्वारे तो ये रहा गोविंद और तो अंदर चलते हैं एंड रूम लेते हैं ठीक है जहाँ पर रूम मिलेगा चलो और देखो कितनी संगत आई हुई है हर रोज आती है संगत जो ऊपर जाने की होती है और हमें कल वापस जाना है तो इसलिए हमने एक और रूम एक दिन के लिए और रूम लिया गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम पर तो ये रहा हमारा रूम कुछ तो बैठते हैं इधर आराम से फिर आपको मिलते हैं ठीक है